खबर वो मित्र सही है, पर पुलिस ने 5 अक्टूबर को ही लू का खुलासा कर लिया है। दरअसल 5 अक्टूबर को एटीएम में कैश भरने जा रही वैन को अज्ञात बदमाशों ने कट्टे दिखाकर 1,64,00,000 रुपए लूट लिए थे, जिसमें उसी दिन शाम को पुलिस ने लूट के चारों आरोपियों को धर दबोचा था और उनके पास से 80,00,000 रुपए बरामद कर लिए थे। लूट के दूसरे दिन खेतों में कुछ रुपए बरामद किए गए थे। बाकी लूट के 16,00,000 रुपए एटीएम वैन के इंचार्ज संकल्प शर्मा और उनके पार्टनर पूनाराम लहरे से बरामद किए गए हैं। आरोपियों से पैसों को लेकर पुलिस से छुपाकर एटीएम में रखा हुआ था। मैं डिटेल में पूछताछ की और उसको वीडियो भी दिखाया, तब फिर वो टूट गया और उसने फिर बताया कि हाँ बैग में मैंने जो पैसे रखे थे जो कि मैंने रिपोर्ट में भी नहीं लिखा है ना इसमें, और इसे मैं एटीएम में ले जाकर रखा हूँ, मैं आपको बरामद करता हूँ। इसमें उसके इससे हमने एटीएम से उसके पास से पैसे बरामद किए हैं और उन दोनों को अरेस्ट कर लिया।